यूपी के चंदौली में मोरबी जैसा हादसा, छठ पूजा के दौरान जर्जर पुल ध्वस्त, कई लोग कर्मनाशा नहर में गिरे, भगदड़। गुजरात के मोरबी में हुए हादसे के बाद यूपी में भी पुल गिर गया है, जिसके बाद मोरबी की याद आ गई। हादसा यूपी के चंदौली के सरैया गांव में हुआ, जहां छठ पूजा के दौरान भारी भीड़ उमड़ी थी। बड़ी संख्या में लोग पुल पर जमा हुए थे। सरैया गांव में बड़ी संख्या में लोग छठ पूजा देखने के लिए कर्मनाशा नहर के किनारे जा रहे थे। नहर के पास पड़ने वाले सालों पुराने पुल के ऊपर जब भीड़ इकट्ठा हुई तो भरभराकर गिर पड़ा, जिसके बाद हालात बेकाबू हो गए और मौके पर भगदड़ जैसे हालात हो गए। इस दौरान कई लोग नहर में गिर गए, जबकि कई लोग भगदड़ में फंस गए, जिससे कई लोगों को चोटें भी आईं। गनीमत रही कि नहर पर पानी कम होने की वजह से बड़ा हादसा होने से टल गया, कई लोग नहर में बहने से बच गए। इस दौरान सिर्फ चोटें आईं, पानी में डूबने से बचे लोगों ने ऊपर वाले को याद किया। हालांकि इस दौरान वहां पर भगदड़ जैसी स्थिति मच गई, लोग किनारे की तरफ भागने लगे। वहीं एसपी सुखराम भारती ने बताया कि मामला चंदौली के सरैया गांव का है, जहां पर छठ पूजा के दौरान व्रती महिलाएं परिजनों के साथ सोमवार सुबह के वक्त सूर्य देवता को अर्घ देने के लिए कर्मनाशा नहर पर इकट्ठा हुई थी। इस बीच पुल के ऊपर ज्यादा लोगों की मौजूदगी के बाद पुल का जर्जर हिस्सा गिर गया। वहां मौजूद लोग नहर में गिर गए और अफरा तफरी का माहौल हो गया। नहर में पानी कम होने के चलते किसी को ज्यादा चोट नहीं आई और स्थानीय लोगों ने ही एक दूसरे की मदद करके सभी को बाहर निकाल लिया। घटना के बाद लोगों में अफरा तफरी मच गई। और जैसे ही पुलिया टूटी तो लोगों ने पुलिस को भी सूचना दी और मौके पर पहुंची पुलिस ने तुरंत लोगों को नहर के पास से हटाया। और पूरे मामले में एडिशनल एसपी सुखराम भारती ने कहा कि सोमवार सुबह छठ पूजा के दौरान सरैया गांव के कर्मनाशा नहर पर पुलिया की तरफ का एक हिस्सा टूटा है, जिससे किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ है और छठ पूजा सकुशल सम्पन्न करा दी गई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।